जिमीदारां च एक बीमारी है कि जदों फसल चंगी फबी हो
उदों अपने आप अल्लाह दे राह ते खर्च नहीं करना। जदों नुकसान होए फिर पूरे जग ते ढोरा पिटदे ने कि जी हर की फसल नहीं हुई, पूरे बेलियां दसी आणगे, रिश्तेदारों नूं दसी आणगे। तो मैं जिमीदार इलाका है, एक कोट अमरसरिया खोदा मोता सिंह जिले कसूर दा, खुडियां दा, चूड़ियां दा एक पिंड है ना, ते गांव दे अंदर लोग जिमीदार हुंदे ने और सारा जिमीदार इलाका है। तो मैं जिथे भी तकरीर करना है मुआशरे नूं मैं सामने रख के गुफ्तगू करना ताकि मुआशरे च एक बंदा भी अगर मेरी गल ते अमल कर जाए तो पूरी बस्ती की निजात का जरिया बन सकता। जितने तुसी लोग जुमा पढ़ आए सब की निजात का जरिया बन सकता। तो मैं पिछले जुमे इस जगह ते पहुंचा सा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अठ बेटे कमो पेश अठ बेटियां अल्लाह नूं एक दिन प्यारियां हो गई। अज भी तुम वेख लो मौत हो रही ने, इतने लोग दुनिया तो जा रहे हैं। शेख उल हदीस व तफसीर हाफिज़ यूनुस बट साहब जामिया सल्फिया फैसलाबाद बहुत बड़ा मदरसा है, उसके शेख उल हदीस सन और खतीब सन, जुमा पढ़ाते उस बच्चे पढ़ाते। अल्लाह पाक उन्होंने कबर में जन्नत का बाग बनाए, आने वाली मंजिल आसान फरमाए। बड़िया मौत हो रही, उलमाए कराम दुनिया तो चले गए। इस महीने च पांच छे उलमाए कराम दुनिया तो चले, रसूल नगरी साहब दुनिया तो चले गए, हाफिज अब्दुल हमीद हजारवी साहब रहमतुल्लाह है, मौलाना जितने बुजुर्ग मशहूर प्रोफेसर सलामुल्लाह खान मदनी साहब सरियाली आले, जितने भी उलमाए कराम दुनिया तो जा रहे ने, यह साढ़े वास्ते पैगाम है कि हर एक ने जाना है। तो अपनी जिंदगी नूं एक नेमत समझिए, गनीमत समझिए। मेरे दोस्तों ए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करया करो, हर पिंड वाले चाहिए हर शहर में मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे। मास्क लाएगा और हाथ एक दूसरे ना मिलाओ, दूरों कहो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्यों, इतनी वायरस फैल चुका है शहर च। मेरे दोस्त पुलिस वाला फर फौत होया, फिर उसका भरा फौत होया, फिर उसका बाप फौत होया, फिर उसका एक अजीज फौत होया, इको घर चो चार जनाजे चौं दिनों च निकले। असीं इहनूं सीरियस नहीं लै रहे। लाहौर जाके देखो तुसी, वड्डियां शहरों च जाके, मेरे खुद अजीज पामोकी दे अंदर एक फौत हो, मैं उधर जा नहीं सकिया, भी वायरस हैगा, बाद चो तजियत करके आया। ये हालात ने तो सानू सारयां नूं एसओपीस यानी एहतियाती तदाबीर ते अमल करना चाहिए। और खास करके इन्हां दिनां च तुसी किसी नूं गले ना मिलो, सलाम ना लवो, उनको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मुंह नाल कहो। जे बहुता दिल करदा तो इंज हथ रख के दिल ते कहो भी तेरी इत्थे जगह, गुस्सा भी नहीं करना। बीमारी जी तो एहतियात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे ने आन के कह दी हजूर नु कोट दी बीमारी जिजाम लग, ते आपने फरमाया जी इथो बैत हो गए, दूरों बैत की आपने, और नबियां दे सरदार ने आपने बहन उसे बिठाओ, और मैं जिथे वबा फैली हो उतों के लोग दूसरे शहर ना जा, दूसरे शहर के लोग उसे ना आ, ताकि वह अगे बीमारी ना फैले। तो जितने तुम बैठे हो मैं ते अज दुआ करना, अल्लाह मैनू पूरी दुनिया नू इस बीमारी तो अल्लाह महफूज फरमाए। मेरा दोस्त यासर चान आया इतो, दोस्त दसदा पिया भी इतने तो लोग सीरियस नहीं है, कुड़ियां दो मौत हो गई, दो गलियां सील करती किस वजह तो। मेरे भाईओ तुम भी चाहिए कि जिथे जिथे जाओ मास्क लेके जाओ। गवर्नमेंट ने हम जुर्माना शुरू कर दिता है, मोटरसाइकिलों दावा कट देंगे अगले, तो सानू मोटरसाइकिल से जान लगे मास्क जरूर लेना चाहिए। मास्क ला के जिथे पांच चार बंदे बैठे मास्क ला के ब्याह करो, इस में ताड़ा फायदा है, अल्लाह इस बीमारी तो छेती जान छड़ा देगा। सिराजे मुनि दे चरे वालिया, बद्रे मुनि दे मकाम वालिया, हामीन दे कुनन वालिया, काफा दे शान वालिया, मुजम्मल दी कमनी वालिया, मुदस्सर दी चादर ते सुन वालिया, वामा रमई ताजर ताज वाल
एक अमनी वालिया सोने महबूबा शर्मा जी जी रबे जलील हुक्म की है। आओ मुसलमान अर्ज करना चाह रहे हमें पिछले जुमा तुल मुबारक के अंदर हजरत अय्यूब अली सलाम के वाकया के अंदर मैं इथों तक पहुंचे सन। आप दिया बेटिया बेटिया के जनाजे इको दिन उठे ने। हर एक ने जाना है मुसलमान बनना मौत पर यकीन रख दे। जो नुकसान हो सबर देना अल्लाह पाक ते शा कर बंदा हुई ओहे गुस्सा गरी अल्लाह पाक फरमाते ने मैं सबर करने वालिया के नाल एदा मुंह मेरे अल थोड़े करके अल्लाह पाक फरमाते ने सबर करने वालिया दे मैं नाल हूं नहीं। अर्ज करना चाह रहा मैं सबर करने वालिया मुहब्बत करन लग पे नहीं। सो जो मुसलमान हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों मेरे मदनी करीमा का कलमा पढ़ने वालों अजीजा ने मन हजरत सरकार मदीना सुनोकर गोशीना महबूब खुदा नु मानने वालों मेरे मदनी करीम वापस ले लिया अल्लाह लैके भी अजमांदा है अल्लाह दे के भी अजमांदा है अल्लाह औलाद दे के भी अजमांदा है। हजरत सुलेमान नबी है सौ नबी सुन लो मेरे वीरों सुलेमान पैगंबर दिया किनिया बीवियां ने अल्लाह पाक ने मेरा जनाब आला सौ बीवियां दा खावन नबी बनाया है ते वेखना किड़ी शान वाला नबी है। एक मेरा भरा कहंदा सी सुलेमान नबी दा वाकया भी सुनाना इंशाल्लाह दे ते भी जुमे दो तीन पढ़ावांगे पर ए गल बड़ी वड्डी है। सुलेमान पैगंबर है सौ बीवियां ने तख्त जिहड़ा एडा वड्डा है एक कनाल दे अंदर पीरा सुनो सफा च हजार बंदा खलोंदा है सफा बनियान ते हजार बंदा खलोंदा है ते सुलेमान नबी दा एडा वड्डा तख्त सी 500 बंदा ओहदे ते बैठदा सी कुर्सी ला के शेरां ने मोढा दित्ता हुंदा सी तख्त हवा च मुअल्लक हो जांदा सी ते वीरो हजरत सुलेमान नबी दा तख्त एक पैर सफर करदा सी ते एक महीने जिना सफर तय कर लैंदा सी। एना वड्डा नबी सुलेमान अलैहि सलाम हजरत सुलेमान अलैहि सलाम आंदे ने जिथो सूरज चढ़दा सी ना ते सुलेमान नबी दी बादशाही च डुब जांदा सी एड्डी वड्डी बादशाही ते सुलेमान अलैहि सलाम कोल बीवियां नहीं ते पुत भी कोई नहीं ते ती भी कोई नहीं एड्डे वड्डे बादशाही दा नबी नबी अल्लाह दिया अठ तिया ते अठ पुत्र दे अल्लाह प्यारे हो गए अल्लाह जानदा छड पिंजरे उड़ शहबाज गए कर अरशां वल परवाज गए कर विथा दूर दराज गए फानी चंद दिन जगते जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने इथो सब मुसाफर थी गए ने पर सर्द करना चाह रहे अमीर उथी सेट कर जिथे पहले मेरी तू भी आमना सुन लो मेरे वीरा कितने घर ने जिथो जनाजे उठते नहीं किन्ने घर ने जिथो प्यारे बिछड़ चुके नहीं किन्ने प्यारे ने जेड़े दुनिया तो जा चुके नहीं हज करना चाह रहे सुन मेरा ध्यान नहीं मेरे मदनी करी मां कालू मामे वालों प्यारे दियां यादा रह जांदियां ने बंदियां देने दुनिया उत्ते बंदियां ऐसा बैन खलोन बनाओ तू होवे ते हर कोई असे तुर जावे तेरा हर कोई लवे ना इंज दा बंदा होना चाहिदा है। कई बंदे मैं वेख्या सारी उम्र धजता पढ़दे ने तैनू घर दे भी चंगा नहीं कहिंदे उस धज दा की फायदा है जिहड़ी तैनू घर च भी चंगा नहीं बना सकदी। कई बंदे पंज नमाजा पढ़दे ने तैनू पूरे नमाजी पूरा कहिंदे कई बंदे सारी उम्र नमाजा पढ़दे ने उन्हां नूं मल्ला बुरा कहिंदा। कायनात दे सरदार नबी ने फरमाया जिहड़े बंदे नूं लोग बुरा कह अफिश्ते गवाहियां पा देंदे ने अल्लाह अखलाक दा चंगा नहीं सी ओहदी बद अखलाकी दी वजह तुहानूं जहन्नम लगेगी। सानूं मूंह दा मिठा होना चाहिए पर इंज दा मिठा नहीं होना चाहिए कि तू तो मिठे होण ते विचों पूरा जनाब दा छुरा होवे नहीं ये ना होवे बाहरों मियां तस्बी अंदरों मियां कसबी कसब चंगे होण अंदर दी दुनिया सही होवे
और मैं कई बंदे वेखे ने बाहर जाएंगे आंटी जी आपी जी एक्सक्यूज मी प्लीज मेरी बात सुने ऐसे कर ले ऐसे कर ले दुकाना ते वेखे भी तुझे किड़े प्यार आपी जी क्या रहना जूस पियेंगे पाइनएप्पल का पता वा भी फिर जनाब ये पंजियों का जूस इन 300 जरिए पाना है हाँ भी 1200 का कपड़ा 1500 का ला दें उन्हें जूस ही आखन ली बड़ी मेरे नेकी की नी इज्जत बड़ी करता लिया मेरे दाद क्यों आया नानक क्यों आया दादे भावे दूजी मेरा 4 रुपया ही होदका लोग याद कर लेंगे नानका याद कर दे अल्लाह हाथी के दाद खाने के और दिखाने के और मगर नबी करीम ने फरमाया कि मुसलमान होवे जिदा जाहिर ते बातन एक होवे जिदे हाथ जबान तो दूसरा मुसलमान महफूज नहीं वो कदा मुसलमान थोड़े थोड़े ना अगे होंगे जाओ साथी सारे ने फिर पीछे पैदे जाएंगे फिर मैं डिस्टर्बिंग नहीं होगी तबरीद दे साथी अगे हो जाओ सारे चलो पुत्रो तुम उधर थोड़ा साइड से ब्याह करो फिर साथी जगह तन होंगे अगे आ जाओ हो जाए मेरा चन अगे आ जा बैस दे सारे अगे आते जाओ सारे अर्ज करना चाह रहा जो इमाम अंबिया का कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी ताजदार हलीमा दे राजदार दा कलमा पढ़ने वालों मुसलमान भाईओ हजरत इमाम अंबिया नु मानने वालों जरा गल बड़ी वड्डी है जे समझ आ जावे इमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे अहमद मुस्तफा नु मानने वालों मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों मुसलमान भाईओ जितने तुसी आंदे जे ताडा एक एक कदम एक एक सफर दा मिनट नेकियां वाला बन जांदा है क्योंकि अगे तुसी पिंड च जुमा पढ़दे सो भज के मसीते वड़ फरिश्ते सवाब लिखना शुरू कर देंगे यार किड्डा इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है कि तुम नीयत सिर्फ कर दो तो जुमा पढ़ने जाना है फरिश्ते लिखना शुरू कर देंगे बुराई जब तक कर ना लवो उस वक्त तक अल्लाह लिखन ही नहीं देता बल्कि मैं हदीस पढ़ी है बंदा बराई कर भी लवे ना तो अल्लाह फरिश्ते कहना अजे ना लिखी थोड़ी देर डीक ला अद्धी कु दिहाड़ी डीक ला जे तौबा कर लवे तो मैं हुण भी नेकी बना देवांगा वो किड्डा गफूर रहीम है अल्लाह जानदा वे ओ ते रोज अल्लाह जानदा कहंदा आज मंग ले जो कुछ चाहे तेरा रब हां क्यों शर्माना मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं इत्थे पानी लाया होवे खाल दे अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने पानी लाया होवे एक ना जी टप्पा मारदा होवे तेरा ना जी वुज़ू भी ना होवे तेनू लोड़ पै जाए कि इत्थे मेरी मदद दी लोड़ है अल्लाह पाक आंदे ने ज़बान कर लाओ भाई जा साला कई बाड़ी अन्नी पाईनी करी अल्लाह आंदा मैं अपने बंदे दे करीब है या अल्लाह किन्ना को करीब है मैं ना हूं अकरबू है लई ही मेन हबले नवरी अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं तेरी शारक दमी ज्यादा करीब है देखना मेरे वीरा एक किन्ने बंदे ने आ कोरोना वायरस नजर ही नहीं आंदा किसी नु पता है किन्नु है जिन्नु हो जांदा उन्नु भी पता नहीं लगदा बल्कि कईयां नु होके मुक भी जांदा पता नहीं लगदा अल्लाह पाक दियां मर्जियां ने मेरे वीरा ओदियां कोई जान सकदा वे ओदे ते शक रिया करना इस बीमारी ने पूरी दुनिया नु हला के रख दिता है ना मेरे वीरा गल बड़ी वड्डी गल ईमान वाली करना चाहना है हजरत अय्यूब नबी बैठे ने शैतान ने वेखिया गल नहीं बनी है नबी अल्लाह दे कोल आन के की कहंदा है पता की आंदा है कहंदे ने जिस माल ते डंगर तेरा एक भी ना छड्या उस दे गेवे चोला तू अड्या कहंदा अय्यूब रब वहम ची कड्या हो गया दिल एक थाई आंदे ने ओ इबलीस तू मेनू ईमान तो बगाड़ना चाहना
मैं जड़ा अगे माल दे ध्याने लगदा सा हुण ओ वी टाइम अपने अल्लाह दी आच गुजारा करांगा। ओ जिमीदारा तेरे कोल 10 लवेरियां ने तू अल्लाह नूं टाइम नहीं देंदा, तेरे कोल 5 लवेरियां तू टाइम नहीं देंदा। अय्यूब नबी कोल 700 गाइयां दा लवेरा 5000 मेरे वीरा वेखना किन्ने हजार बनदा है। 500 बैलां दीआं जोड़ियां 500 गधे गधियां 3000 ऊंठां मेरे नबी अय्यूब अलैहि सलाम दे कोल ने 700 गाइयां ने किड्डा वड्डा लवेरा है। एक एक भी बच्ची होवे ते 700 ते बच्चियां बन जांदियां ने किड्डा वड्डा लवेरा है। 7000 भेडा बकरियां ने मेरे वीरा 7000 भेडा बकरियां दा लवेरा सारा माल अल्लाह नूं प्यारा हो गया है। ते नबी अल्लाह की कहंदे ने शैतान ने आण के अजमैश लई सजदे पैणा जिवें असीं इत्थे बैठे होए सानूं कौण आखे ओ नाले तुहाडा नुकसान होया तुसीं नाले जुआ पढ़न जाए जे। ते अल्लाह जानदा ऐ ही अजमैश अल्लाह पै के भी अजमांदा अल्लाह लै के भी अजमांदा है। हुण ईमान नाल दस ना इन्ना कुछ उजड़िया होवे बीवी बच्चे भी गए होवन ते नबी सजदे पियावे ते शैतान इबलीस आ गया इन्हें बाबे आदम नूं दा लाया इन्हें बाबे कुरान कहंदा ना इन्नहु लकुम अदुवुन मुबीन शैतान बंदे का दुश्मन है इन्हें बाबे आदम नूं दा लाया इन्हें अम्मा हव्वा नूं दा लाया इन्हें वीरा नबियां नूं दा लाया इन्हें तेनूं भी दा लाउणा है हर वेले लाउणा है हर घड़ी लाउणा है इन्हें आखरी घड़ी तक लाउणा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जिहड़ा शैतान दे पिछे लगेगा क़यामत नूं उहदे नाल ही जहन्नम जाएगा ते जिहड़ा मेरे पिछे लगेगा वह दुनिया च भी मौजां ते आखरत च भी मौजां करेगा ते किन्नियां मौजां करेगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिन्हें खोदियां दे अंदर मोता सिंह दे अंदर जनाब जी चार के भीम के दे अंदर मरालियां दे अंदर जिन्हें नाबियाला एक दुख वेख्या होएगा दो दुख वेखे होणगे सारी उम्र दे दुख 70 साल 60 साल दे दुख 80 साल दे 50 साल दे दुख 20 सालां दे दुख 10 सालां दे दुख कट्ठे करके जदों जन्नत दे बूहे अगे जाएगा इन्हें 5 दुखां दी चुकी होएगी। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों बूहा खुल गया जन्नत दा अंदर वड़ेगा फरिश्ते पुछणगे ओए बेलिया कित्थों आए कहेगा मैं कोट अमृतसरिया तो आया मैं खोदिया तो आया कसूर तो आया लाहौर तो आया। अल्लाह पाक फरमाउंगे फरिश्ते नूं पुछो कदी दुनिया च दुख वेखे सी इह बंदा पहला जन्नत दा हुल्ला वेख के कहेगा यार केड़ियां गल्लां करदे जे मैं ते दुख दा ना ही पहली वार सुने सारी जिंदगी दे दुख भुल जाए जन्नत दा एक सुख वेख के ना सारी दुनिया दे दुख भुल जाए जन्नती मकाम रब्बी जन्नत अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे खास बंदियां नूं मेरी खास जन्नत च दाखिल कर दऊं और जेडे मेरे तो डरन वाले उन्हां नूं दो दो जन्नतां तां कर दऊं। इह बंदा कहेगा विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे बैठे जन्नती ए पलंगां ते सारे होणगे उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अगला जुआ मैं तारा होना जे सारे कहो सुभान अल्लाह। देखो ना तारी सुभान अल्लाह तेरी ना महंगी हैगी हर शाय महंगी हो सकती है। अल्लाह जानदा है आप पेट्रोल नहीं अज लगन दिया है पेट्रोल नहीं लगन दिया मिनटा करके पेट्रोल लेने च लग के लग रहा अल्लाह आंदे ने नेक हुक्मरान आन ना ते फिर अल्लाह दी रहमत होंदी है एडी सोहनी रहमत होई जा नेक हुक्मरान ने ना अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह इन्हों का साया तुहाडे सिरे ते सलामत रखे क्योंकि ना तुसी हत्थी लियांदे ने ना ते हुण बाली जे सेकी जाओ यासर ने भी हत्थी लियांदा है। अल्लाह जानदा वीरा गल बड़ी वड्डी ईमान तालावे अल्लाह राजी में वीरा जरा ध्यान ना गल समझाना चाहना सा जो मैं कहना ना सब बाजो दी तुहानू की हुण लैने च लगो सानू की अजे पंप तो नहीं भी ना मिलता मैनू एक ना दे देना लोगों को कहते एक लीटर देना दो देना मैंने उन्होंने जिन्ना मर्जी देना अल्लाह रहमत ए दीन की नौकरी है ना। ते एक गल याद रखे जिन्हें बैठे जे
मैं जेड़ी ये गल करा ओदा मतलब इस्लाम हुंदा है तुसी अल्लाह नाल लैन सिद्धी कर लो। जद अल्लाह नाल लैन सिद्धी होएगी किसे दे बूहे ते जाना नहीं पैगा। अल्लाह मिट्टी दी कणक बना देवे। और मेनू गल याद आ गई मरान ते आना सरान लगाई गल। अल्लाह जानदा गल ते आना सुनन वाली ये बड़ी कीमती बात है। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डरना है सचियां ते सिद्धियां गल्लां करनियां ने। अल्लाह पाक कहंदे ने किदे तो डरना है मेरे तो डरना है। ते फिर मिलेगा की जेड़ा बंदा चमचा गीर नहीं अल्लाह नु दवेगा की मली मन खा पम पाम रब्बी ही जन्नतां। अल्लाह दा मैं दो दो जनता दवांगा विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। बैठे जन्नती पलंगा ते सारे होणगे। इत्थे सुभान अल्लाह दी ताड़ी आवाज आउणी चाहीदी है ताकि पहली नूं भी पता लगे। अगे तफैल इत्थे ताई लाउंदा है हुण इत्थे सुभान अल्लाह गूंजदी पई है। आ वेखो ना फर्क हुंदा है ना। आ जिहड़ी पहली च आपां बैठ के सुभान अल्लाह कह रहे हां इह फिर आम पहली ते नहीं रह गई। इह आम जगह ते नहीं रह गई। इह ते उच्चियां शानां वाली जगह बन गई है ना। अल्लाह जानदार ते आन मेरे वल मेरे वीरा ते आन ना गल समझाना चाहना है। अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो मेरे मदनी करीमा कादा कलमा पढ़ने वालो जरा लफ्ज़ सुनया जे ते आन दे नाल अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो। इब्राहिम नबी नमरूद नु कहंदे ने मेनू कणक दे लागो चमचे बोले। कहंदे जी हुण केड़े मुंह नाल आया है। नमरूद नु आंदे ने जी ए इब्राहिम है जिहड़ा तेनू रब नहीं मनदा। नमरूद आंदा अच्छा ए इब्राहिम जिहड़ा मैनूं रब नहीं मनदा
कहते जी हां आई, कहते ने अंता इब्राहिम, कहते ना माना इब्राहिम, हां मैं इब्राहिम, कहते ने मेनू रब नहीं मानता, कहते नहीं रब माना वे जिन्हें तेन बाशी दिती है। अल्लाह कैसा जुमला बादशाह दे सामने गल कहना, वो आंदा मैं रब आना रब को मुला ला ओना मैं रब हां मेरे तो वड्डा कोई नहीं। ते इब्राहिम अलैहि सलाम की कहंदे कहंदे ने मैं उन रब मानना में जिन्हें तेनू बाशी दिती, एदा मतलब सारे खजाने कौन देंदा? अल्लाह। उच्ची बोलो जरा, अल्लाह देंदा सारे खजाने, अल्लाह देंदा है, हर खजाने का मालिक अल्लाह है। ते जेड़ा बंदा कवे ना कि मैंने फलाने ने दिता है, अल्लाह कहंदा ले ला, पर क्यामत नू कहांगा उन्हू लैके आ जेड़ा तेन दिंदा सी। क्यामत नू कौन लैके आए? कोई नहीं लैके, अल्लाह कहेगा अपने अपने ले आओ, जिन्हें जिन्हें को मंगते सो लियाओ, नहीं मिलेगा। जिन्हें वेला इब्राहिम नबी खड़े ने ते सामने नमरूद, नमरूद ने अखा फेर लिया, कहंदे ने जिदे फिर रब मानना है ना फिर ओदे कोल है, हुण भी ढेड़ च भुख नचदी होए, आंदे भुख लगी होवे ना छत ते चढ़ के नच के लोकां नूं दसो मैं मैनूं भुख लगी। आंदे बाबा फरीद ने गल लिखी पाक पतन च, कहंदे फरीदा मौतों भुख बुरी जिहड़ी राती लत्थी दिने फिर खड़ी। आ मैं कई बार रात नूं जलसे तो आवां ना फ्रिज खोल के वेना बेगमां दी अज लब्भा कख नहीं जलसे, मैं नहीं आउंदिया तक फिर भुख लग गई, लग जांदी अक्सर। जिमीदार ने रात पानी लाया होवे ना एक गन्ने ही लोकां दे चोरी चुपी आउंदे, सच्ची गल, उधरों क्यारा भर जांदा उधरों कनाल झाड़ देंदे, सच्ची गल कर रहे हो। जिहदा मर्जी जनाब जी कोई छली फड़ लैंदा, कोई कुछ कर लैंदे, कोई कुछ कर लैंदे ने, कईआं दे खीरे लगे हुण रात खरबूजे खाई आउंदे ने, इंज करदे ने, कोई दुआने पुल लैंदे ने, कोई खीरे लै आउंदे ने, लगी हुंदी है। यानी कहण दा मकसद ही मिसाल दे के गल समझाइए कि रात नूं भुख लग जांदी, अक्सर लग जांदी, आ लंबियां रातां च अक्सर लग जांदी भुख लग जांदी। इब्राहिम नबी नूं भुख लगी बड़ी, घर च भी कणक कोई ना, कहत पिया इब्राहिम अलैहि सलाम सामने खड़े ने, मैं तुहाडा अज्ज मौजू ये सुना रहा है कि अल्लाह अजमा लैंदा बंदे नूं, अल्लाह दे के भी अजमांदा, अल्लाह लेके भी अजमांदा है। इब्राहिम नबी ते किड्डी वड्डी अजमैश है, एक पासे ईमान है, एक पासे गंदम दा तोड़ा है, एक पासे ईमान है, एक पासे कणक दा गट्टू है। हुण गट्टू ते मान गवा जांदे ने, भरी ते मान गवा जांदे ने, लगे लगे जांदे सिट्टे चुंदियां चुंदियां, भरियां चो सिट्टे खो के मान गवा जांदे ने, एक मरबा फिर के सिट्टे चुने आउण ते भरी चो एक सिट्टा तोड़ के उहदे च पा लईए सारे मुरबे दे सिट्टे हराम हो जांदे ने। एक मुरबा सिट्टे दा चुनिया होवे ना सिट्टे समझदे ना। हां जी मैं लाहौरी होके कहन दिया, तुसी पेंडू होके नहीं कहिंदे, आ जिहड़े सिट्टे पए ने नाड़ दे विच बीबियां चोके लै जांदियां ने इहनूं सिट्टे कहिंदे ने। सुन लो वीरा गल बड़ी वड्डी, अपनी पंजाबी बोली ना भुलिया करो, मां बोली ना भुलिया कर, ये पंजाबी बोलिया कर, पंजाबी सिखिया कर। मेरे नबी फरमांदे ने बेहतरीन बंदा उम्मत दा मुबल्लग होए जिहड़ा अपनी कौम नूं उहनां दी जबान च दीन दसदा है, उहनां दी जबान च गल समझाउंदा है। किड्डे सादे लफ्ज़ां नाल मैं तुहानूं दीन समझाउण आउणा है। इंशाल्लाह हुण मेरी जिन्ना चिर जिंदगी है इत्थे मैं जुमा पढ़ाउण आउंदियां रहिणा है, ये गल्लां हुंदियां रहिणियां ने। इंशाल्लाह मेरे वीरां पैसियां दी कोई हसीयत नहीं, मैनूं लोकी लख लख वी जुमेदा दे दिंदे ने, पर मैं आख्या नहीं हुण इत्थे डेरा लाउणा है। क्यों लाउणा है? कि इत्थे लोग दूर दराज तों आण, मोटरसाइकलां खड़ियां ते मैं वेख के खुश होवां, ते गल ही बड़ी वड्डी समझाउण लगा है। इन्ने बैठे जे पल्ले बन लिया जे गल, मेरे वीरां तूं वी ध्यान नाल सुण लाओ। इब्राहिम नबी ने अल्लाह जानदा की कहंदे ने, इत्थे सानू कोई आण के कवे तेरी मजदा थन बन दे, फलाना किली करके देंदा ई, टली करके लकड़ी दी देंदा ई, असीं जिड्डे मर्जी रब ते मान रखण वाले होई ना असीं उह टली करा के बन लैणी। अच्छा भी जे लकड़ी दियां टलियां करा के बन्निया मझां बजदियां होण ते फिर ते मझ किसे दी मरे ही ना, फिर थन किसे दा मरे ही ना। इह सब फराडबाजी, लोकां दा ईमान कमजोर करना है, लोग ईमान कमजोर कराई जांदे। अल्लाह जानदा जे ठगबाजां दी दुनिया दा दीवा बलदा होवे ते फिर अल्लाह नूं कौन मन्ने। आन कोरोना वायरस आया किसे ठग दा दीवा बलिया? बोलो चलिया किसे तवीता का कोई करा के बाहे? आज छिप्पियां दे कटियां नूं बनाई दियां ही कटियां नूं हुण मौलवी भाई फिरदे ने। आ वेख लो तुसीं इधर देखो, अगे कटिया छिकिया चढ़ाई दी मौलवी पाई फिर दे,
की भाई कोई वजह की? अल्लाह आंदा है सुन लो ध्यान दे नाल, बंदा बंदे दी ना मन्ने ते मुंह खान जोगा नहीं रहिंदा ते पर्दा करके दुकान अगो लंघदा है, ओदे पैसे देने उन ते पर्दा करके लंघदा है। अल्लाह आंदा तुसा मेरिया नहीं मनिया, हुण मैनू भी मुंह खान जोगे नहीं, सारे मुंह लकाई फिरदे, सारे लकाई फिरदे ना। ਇਹ ਛਿੱਕੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਮਰੂਦ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਾ, ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। अच्छा भी मान ना दसो नमरूद बादशाह हो साडे वर्गा बंदा कणक भी ना लभे, तू ओदे कोल खलो के आखेगा भी तेनू अहीं रब नहीं मनदे? इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। आंदे ने दज्जाल जिहड़ा ना, दज्जाल इह वी मौजू ते जुमा पढ़ावांगा इत्थे, दज्जाल जदों आउणा है ना ओदियां तीन निशानियां वड्डियां ने, पहले नोट कर लो। पहली निशानी होएगी समान दे के हिस्से दी बारिश रुक जाएगी, पहले साल विच ते जमीन दे के हिस्से दी खेती मुक जाएगी। मिसाल तुहाडा किला है ना, ते अठ कनाला या नौ कनाला दा किला है, ते एक एक समझो भी हिस्से दी खेती जमीन तो मुक जाएगी ते एक आसमान तो बारिश होनी रुक जाएगी। अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर दूसरे साल अद्धे समान दी बारिश रुक जाएगी ते अद्धी जमीन दी खेती मुक जाएगी। ਇਹ ਦਜਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ੈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਜਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੰਬੋ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਬੱਜਰ ਤੇ ਵਾਹਣ ਵਗਿਆ ਹੋਊ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ, ਕਣਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਬ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਇਮਾਨ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੋਰ, ਦਜਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਂ ਹੀ ਤਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਤਾੜਦੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਖੋ ਲਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਮੰਨਤੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬੱਲੇ ਤੇ ਭੈਣਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀਰ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਹਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਚ ਜੁਮਾ ਪੜਾਈਏ ਨਾ ਅੱਧੇ ਬਾਬੇ ਅੰਤਰੇ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੜੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀ ਵੇਖਣਾ। ਆ ਕਿੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਕਸਮੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਨੀ ਵੇਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਅਸੰਦ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਜੁਮੇ ਪੜਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਪੂਰੇ ਖੋਚਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੜੀਆਂ ਚ, ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਵੇਖ ਮੌਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੂਠ ਰੱਖਿਆ,
भी एक मिनट बाद तू मर जाना, अल्लाह हदायत नसीब फरमाया। जो अल्लाह के दरबार चाहो जो याद च बैठे हो फिर घड़िया ना वेख्या करो, घड़िया वाले वेख्या करो। नमरूद सामने खड़ा इब्राहिम नबी कहते ने देनी कि नहीं, उन्हें कही मैं कनक नहीं देनी। इब्राहिम नबी तुर पे बीघा समझते बीघा अद्धा किला बीघा को तुरे ते रेत तपे पी ते शिखर ते पैर लगी ते बीघा को तुरे ना ते लागो दी लंगे दो तीन सना ले ली कणक भले ही तोड़े वेला जा रहे हैं। इब्राहिम नबी दी अखां चो आंसू आ गए, तोड़ा मिट्टी का पर लिया ते मोढ़े ते रखिया ते तुर पे ते दिल च ख्याल आ गया कि ते कोई ये ना कहे कि झूठे रब दे पुजारी तोड़े पर के ले जा रहे ने ते सच्चे दा पुजारी वेला जा रहा है। मिट्टी दा तोड़ा पर के मोढ़े ते रखिया ते कल्ले ही नबी ने मोढ़े ते रख लिया ते नबियां च ताकत ही बड़ी हुंदी है ते रसूल भी है ते नबी भी है ते सैयद अंबिया दा दादा भी है ते इहदी लड़ी चलना ने अपने सरदार नबी नूं पैदा करना है। ते इब्राहिम नबी जदों अंबिया है तोड़ा मोढ़े दा भरिया है नीयत की है कि कोई ये ना आके कि सच्चे दा वेला जा रहा है सच्चे दा पुजारी वेला जा रहा है। अखां डुल पईआं इब्राहिम नबी दीआं तोड़ा भर के कार नूं चले गए। आना जी तोड़ा रखिआ थके सन नींद आ गई, अल्लाह भुखे बंदे नूं नींद नहीं आउंदी जदों लैण उहदे नाल जोड़ी होवे ते अल्लाह भुखिआं नूं ही सवाद दिंदा है सुकून दे दिंदा है। इब्राहिम नबी लेट गए ते सईदा सारा ने उह तोड़े चो कणक कढ के चक्की चो पी के ते रोटी पका के रखी। इब्राहिम नबी उठे ने रोटी अगे रख दी, लो हजरत खाओ। ते आंदे ने ये कित्थों लई यो कणक ते माई सारा अल्लाह बख्शे अल्लाह दर्जे बुलंद करे अल्लाह पाक दी बंदी है आंदी सोने नबियां वे करमा वाले साइया जेड़ा थोड़ा भर के लियांदा ही मैं ओदे चो दाने कढ़ के पी के आटा बना के तेरे अगे रखे है ते आसमान वाल मुंह करके रोन लग पे कहंदे ने अरशां वाले सोनिया रब्बा ए की ए मैं कणक नहीं लियांदी मिट्टी। आसमान तो आवाज आई ओ मेरे यारा तू मेरिया इज्जत रख सकदा है मैं तेरिया इज्जत क्यों नहीं रख सकदा। अल्लाह पाक ने मिट्टी नु कणक बना दिता। अज भी ईमान बना लो इंज दा अल्लाह मिट्टियां नु सोना बना देवेगा। कैसा ईमान पैगंबर दा है अल्लाह जानदा है। आजा मांग लै जो कुछ चाहनी है तेरा रब हां क्यों शर्मानी है मेरे मिलने नु लगदा कराया नहीं मैं कोई दूर महल बनाया नहीं तू फिर भी मेरे बुए आया नहीं मारा साथ मैं आप सवाली नू क्यों छड़िया मेरे दर आली देवा दान ना मोड़ा खाली नू पढ़ लाए ला थोड़ी कम रखिया कर। अल्लाह पाक दियां मर्जियां किन्नियां सुआ गई इस वाकया दे अंदर हाडा अल्लाह ते भेजदा नहीं बजदा नहीं ते मेरे वीरा जिदा बजदा होए गल बन जांदी जे किड्डी वड्डी गल जरा समझिया जे ध्यान नाल। है जिमीदारा दा ईमान बड़ा पक्का हुंदा है किवें रात खाल च खुड पैंदी होवे ते पैर रख के बंद कर दिंदा नहीं डरदा ओहदा यकीन है मेरा अल्लाह मेरे नाल है। ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਤੋੜਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਿਲਾਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੋਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ। मगर बंदा पैसे वेख के चीज वेख के ईमान गवा जांदा अल्लाह जानदा क्या ईमान सी किड्डी वड्डी गल सुनाई है तानू। इब्राहिम नबी इथों गल चली सी ना अयूब नबी भी इस मैस च ने इस नुकते तो मैं इन्नी लंबी तशरी अद्धा घंटा इस गल की तशरी की है कि आन के इबलीस ने कहा कहंदे ने जिस माल ते डंगर तेरा
एक भी ना छड़िया उस दे अगे वे चोला तू अड़िया कहंदा अयूब रब वहम थी कड़िया हो गया दिल एक थाए आंदने जिस माल दिता सी उन्हीं ने लिया है हुण मैं ओ भी टाइम अपने रब दी याद च गुजारा करांगा अल्लाह इन्ना वजद ना साबिरन अल्लाह देखे भी अजमांदा अल्लाह लेके भी अजमांदा है एक ऐसा साबर नबी सजदे पे आए शैतान ने खब्बी नाक च फूक मारी केड़ी च आ खब्बी नाक च फूक मारी ते नबी सजदे उठे ना ते वेख्या की सुनिया जे सजदे उठे ने ते हजरत दे जिस्म ते एडे एडे वड्डे छाले पै गए जिवें दुंबियां दियां चक्कियां हुंदियां छाले बन गए जिस्म ते और ये ना क्या करके यूब नबी नु कीड़े पे माज अल्लाह और चलिया ए ना क्या कर कोई मौलवी कवे ओदी मर्जी तू नहीं कहना अल्लाह अपने नबियां दे जिस्म दे करीब कीड़े नु किवे आन देवे नबियां दे जिस्म ते ना मक्खी भी नहीं बहन देंदा नबी पाक हुंदे ने नबियां दे जिस्म भी पाक हुंदे नबियां दे जिस्म भी पाक हुंदे ने सुनिया जे किड्डी वड्डी गल समझाउण लगा है अल्लाह जानदा बीमारी आ गई वाइजा मरीज तूफा हुआ यशवी जदों मैं बीमार हूं मैं ते मेरा अल्लाह मैनू शफा दे देंदा है इब्राहिम नबी भी शान वाले अय्यूब अलैहि सलाम भी शान वाले बैठे हुए ने शैतान ने फूक मारी जिस्म बीमारी नाल भर गया ते बीमार जड़ियां ने अखां फेर जांदे सब यार बेली औखा वक्त जद जिंद ते बणिया वे बीमार तो नफरत ना करया करे अय्यूब नबी अल्लाह तो डरन वाले ने कहंदे ने नी मेरी ओ बीवी ओ मेरी गल सुनाना चार बीवियां ने नबी अय्यूब अलैहि सलाम दियां अल्लाह पाक दे नबी ने आंदे ने गरा गल सुनो बीवियां करीब आ गईयां ने कहंदियां ने कर्मा वालिया बोल कहंदा कर्मा वालियो पता नहीं अपना झट किवें लंघना है ते जे तुसी जाना चाहदियां जे ते राय पै जाओ अपना कफड़ जा सकदियां मेरा ते अपना झट ए कौन कह रहे 7000 भेडां बकरियां दा मालक 700 गाइयां दा मालक 3000 ऊंटां दा मालक 500 बैलां दियां जोड़ियां दा मालक अज मेरे नाल इक रल के दुआ करो अल्लाह जिन्हों बादशाही विखाई होवे फकीरी नूं विखावी बादशाही वेख के फकीरी वेखनी बड़ी औखी हुंदी ए राती सुती बादशाहजादी दिन चढ़िया हो फकीर गई हर बंदा ही वीरा वेख लाना अल्लाह जानदा बड़े बड़े मैं फैसलाबाद 7 साल जुमा पढ़ाया है उत्थे मैं एक बंदे नूं वेख्या लैंड क्रूजर V8 ते फिरदा सी ते जदों मैं जाना ते मेरे अगे 10-10 हज़ार दे खाने उस दौर च रखने ए अज तो मैं 10-15 साल पुरानी गल सुना रहा है मेरे अगे 10-10 हज़ार दे खाने लाने ते कारां ते फिरना ते मेरी गड्डी नूं जनाब वेला धवा भी देना टायर पे उन्हें पवा भी देने बंदे नूं उन्हें कल्ला जाए यार मौलवी साहब दी गड्डी ठीक करा के लिया अज बंदे कोल मोटरसाइकिल सब कुछ ही अल्लाह वापस दे कोठियां भी गड्डियां भी वो फिर भी अल्लाह ते राजी अल्लाह जिन्ने बैठे ने किसी का मुताज ना करे सारे आमीन कहो किड़ी वड़ी गल बेटा बैठ जा नीचे ना तंग करया करो इमाम लंबी आन मानने वालो मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालो ए लफ़्ज़ सुन वाले ने जे समझ आ जावन किड़ी तेरे सामने मिसाल रखी है ना अय्यूब नबी किड़ा वड़ा जिगरा होएगा पैगंबर दा के गहने लदियां बीवियां ने सोना भी गया माल भी गया सब कुछ चले गया पैगंबर दा हुण जरा गल्लां सुनन वाली है अय्यूब नबी बैठे ने ते बीवियां दा जी कहंदियां चंगा तेन चले गईयां आंदे चौथी जो बीवी है सी हजरत अय्यूब दी यूसुफ दी पोती ते पर पोती यकूब दी साबरां दी लड़ी इब्राहीम महबूब दी सबरदा
विरसा इना ताई सुनिया जमाई रहमत झांगरा च मारिया रब दे हबीबा ते थों सदके मैं वारिया लेके तलाका जो घरानू जारिया कुछ भी ना खटिया इना ताई अल्लाह जानदा है आंदी है सुनो जरा ध्यान बड़ी वड्डी गल राम ते सारिया चले दिया तू ही जा सकती है ते कदों तक रवेंगी आंदे ने इनू बीवी कहंदे ने आंदे हजरत बीवी कहंदे उनू जड़ी दुख दी भी सांझी ते सुख दी भी सांझी आंदे ने कदों तक रहेंगी आंदी हजरत मेनू पुछिया जे कहंदी हां तेनू पुछिया है पता नहीं बीमारी किन्ने साल रहनी है हुण ईमान नाल दसो मेरे सोहणिया माल भी गया होवे पैसे भी गए होण ते बंदा लचार भी पिया होवे बंदा बीमार भी होवे ते बीवियां तीन चलिया जावन छड के ते चौथी कोल होवे ते चौथी नू पुछे तू कदों तक रहेंगी आंदी हजरत मेनू पुछे कहंदी हां तेनू पुछे मेरे नाल कदों तक रहेंगी पता नहीं बीमारी किन्ने साल रहनी किन्ने महीने रहनी ते पता की आंदी आंदी हजरत या ताडे दुख मुकणगे या मेरे साह मुकणगे अल्लाह इंदिया बीवियां हर एक नू नसीब फरमाए बीवी वो जड़ी शाकरा होवे बीवी वो जड़ी खावन दा गिला ना करे बीवी हो जड़ी पेके जाके खावंद कर दिया बुराइयां ना करे अल्लाह ध्यान दिए मैं सावा तक तेरे नाल आंदे ने करमा वाली टुकर कितों खाएगी वह ते अपना पता नहीं किवें गुजारा करना है अल्लाह ने किवें देना ते जिन्हें कदी तीला भन तीला समझते तीला भन के दूरा ना किता होवे कहने च खेडी होवे ते जिधर वेखन फसल ही खड़िया होवन इंज समझो सरदार नहीं पूरे घर दी मालक पूरी रियासत दी मालक ला लो ते अज की कहनी है हजरत लोकां दे पांडे मान जांगे अपनी खा आवांगी तेरे लिए ले आवां करांगी आज साड़ियां अपने घर दे पांडे सामन तो औखियां ने अयूब नबी दी बीवी खांदी है हजरत लोकां दे पांडे मांजांगी सारे पिंड विचों पांडे मांज के ते रोटी खा के जड़ी वधावांगी अपनी खायावांगी तेरे लिए ले आवांगी ते अगली गल पता की आंदे आंदे ने राम ते वेखना किन्ने जख्म ने ते अगली गल की आंदी आंदी हजरत मैं जख्मा थी नाक ना वटांगी रू नाल दर्द होवे जीभ नाल चट इस शेर पढ़न लग्या मेरा कलेजा हिल गया है ते जिथे खावन दे कोल बह के क्या होवेगा उस वेले नबी दा की हाल होए हां दुख दवाइयां ना नहीं मुकदे हौसले दित्तियां मुकदे सबर कीतियां मुकदे ने ਹਾਂਦੇ ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸਬਰ ਬਿਨਾ ਅਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਨੀ ਬੰਦਾ ਵਾਰੂ ਸਬਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਏ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀਰਾ ਵੇਖਣਾ ਫਸਲਾਂ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਵੀ ਗਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੀ ਆਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੀ ਨੀ ਭੈਣੇ ਖਾਵਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਏਗੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇਗੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਚੜਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਬਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ
बुढ़ापे च बीवी दी हुंदी है जवानी चोनी नहीं, जवानी च बंदा आप भी पानी उठ के पी सकदा है। बुढ़े बारे माई बाबा सारी रात सुख दियां गल्लां करदे ने, दुख दियां करदे ने, बीवी खामद नूं सांभदी। कुरान ने कहा औरत मर्द दा लिबास, मर्द औरत दा लिबास है। इहने गल ही बड़ी अच्छा भाई ईमान नाल दस्सिया जे अजे बीमारी सांभी नहीं, अजे पट्टी कीती नहीं, अजे खामद नूं रोटी नहीं खवाई। अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों इस बीबी ने गल जमीन ते कीती, की कीती है? खांदी हजरत मैं जख्मां ती, अल्लाह दी कसम जे कदी मैं उत्थे हुंदा मैं उस बीबी दे पैरां दी मिट्टी चुक के अखां दा सुरमा बना लैंदा। कैसी गल पैगंबर नूं कीती? खांदी हजरत मैं जख्मां ती, नाक ना वटांगी रू नाल दर्द होवे जीभ नाल चटांगी, करके खिदमत तेरी जन्नतां खटांगी, अल्लाह लियांदा मौका मेरे ताई। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी दुखी नूं दिलासा देण वालीए मैं जन्नत दे ठे गुहे तेरे लई खोल दित्ते ने। एक दिलासा दिता बीबी ने, जन्नत दे अठे बूए खोल दिते अल्लाह पाक ने। एक दिलासे नाल अठे बूए खुल गए ते जिस औरत ने 8 साल खावन दी खिदमत कीती होवे ओहदे लई की रहमतां होण। एक टाइम दा दिलासा दिता है खावन नूं कहा है। अच्छा मैं तुहानूं इक होर गल दसां, जिहड़ी औरत खावन नूं दिलासा देंदी दी शान की है, इह वी नुक्ता सुण लो। नबी पाक थके टुटे आए ते जख्मी ते बीबी सईदा खतीजा ने इंज करके अपना खपड़ा उतारिया, ओनू सवा नबी साड़िया ते ओहदी मरम पट्टी दी सवा कठी करके ते रसूले खुदा दे जख्मां ते परी मरम पट्टी कीती ते आंदी ए मोढे ते हथ रख के, काली कमली वाले मोढे ते हथ रख के आंदी, सोहणिया तुसी यतीमां गरीबां दे सिर ते हथ रखण वाले ते तुहानूं अल्लाह जाया नहीं करेगा, तुहानूं अल्लाह जाया। आ मैनूं वेख लो ना, मैं गरीबां यतीमां बेवा औरतां दे सिर ते हथ रखदा है। 1000 तो उत्ते घर ऐसा जिथे मेरे वीरां कोई ना कोई शह मैं पहुंचांदा रहना। 1000 तो उत्ते घर है, आ पट्ठी वालियां माइयां दूजे तीजे किस कर कंबल किस कर कुछ कुछ। अल्लाह ने मेनू 18-20 दुश्मनां दे ना जी बंदूकां दे साए च बचा के इत्थे लैंदे। सदका इंसान नू अल्लाह जानदा है किते मुश्किल नहीं आन देंदा। अल्लाह नाल लाइन सीधी रखो, गरीबां यतीमां नाल प्यार करया करो, माड़िया नाल प्यार करया करो, अल्लाह तुहाडे काम सीधे कर दे जाएगा। ए सुनिया जे नबी पाक दी बीवी सजदा खतीजा नबी पाक नू दरासा दिता, अल्लाह पाक ने फरमाया जबरील मेरी खतीजा दा नाम लेके कमी के अल्लाह ने खतीजा नू सलाम भेजिया है। नबी पाक दी ओ बीवी जी दा नाम लेके अल्लाह पाक ने समान तो किया खतीजा नू मेरा सलाम कमी है। की वजह सी? आंदे ने औरत तो जिहड़ी खामद नू मुश्किल वक्त च दरासा देवे, मुश्किल वक्त च छड़ के जान वालियां बीबियां नहीं हुंदियां, चड़ेलां हुंदियां। उची बड़ो की हुंदियां ने, कई हुण डरदे ने भी जांदे भावें सानूं रोटी ना लभे। हुण साडियां भैणां चंगियां ने, जिहड़ियां साडियां भैणां ने बीबियां बूहां पढ़न आईयां घरां च बैठियां चंगियां, मैं उहनां नूं कहा है जिहड़ियां खामद नूं मुश्किल वक्त च छड़ जांदियां। बीबी होवे खामद दे घर च मिर्चां खाए ते पेकिया दे जाके कवे मैं गोश्त खानी है, इहनूं औरत कहिंदे, इहनूं औरत कहिंदे। अल्लाह या शान सी बीबी कहिंदी हज़रत मैं नहीं जाऊं, लोकां दे भांडे मांजण लग पए ते नबी ने डेरा बाहर ला लिया, समझदी शहरों बाहर डेरा ला लिया ते दो उमती आए नबी अयूब दे, एक विच चंगा सी एक खरान सी। खरान समझदे? कई नमाजां पढ़ के दाड़ियां रख के भी मसीते उचकलां लाउणगे, बड़ा कुछ। मैं इत्थे जुमा शुरू कीता ना, हुण कईआं नूं इत्थे ढिड पीड़ उठनी। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। सुनिया जे गल बड़ी वड्डी है, ईमान ताजा होवे अल्लाह राजी होवे। ओ उम्मती है सी पर है खरान सी। खरान समझ? बड़ा तेज इतरार। आंदे ने कईआं बंदियां कोल मां प्यो भी महफूज नहीं हुंदा। हुण दसो भी जिहदा कलमा पढ़ीए ओह रूहानी बाप हुंदा है कि नहीं हुंदा? हुण उस खरान ने की कहा
नबी अल्लाह जख्मी पैण ते बजाय दलासा देन दे पता की आंदा है, पता नहीं नबी ने केड़ा गुनाह कीता है कि अल्लाह ने सलाह दित्ती। नबी अय्यूब रोन लग पे। एक मैं तैनूं अज गल दस देना, दुश्मन पत्थर मारे ना दर्द नहीं जी होंदा क्योंकि दुश्मन होंदा है, पर जो भरा होके बेली होके सज्जन होके मित्र होके संगी होके फुल भी मार दे ना नफरत नाल ते ओ पत्थर तो भी भैड़ा वजदा जी। हुण परवांदे ने अपना जिन्नी चांदी हशना ते फैद किसे ना पाया कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जहमाया बेशर्मी दे हलवे नानो ते साग सरों दा चंगा मनाफत यार दियारी नालो ते सात कुत्ते दा चंगा शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे जिस वल कुत्ता जावे ते उनू कुत्ता ही नजरी आवे। अल्लाह वालिया दे बारे जेड़ा बंदा बकवास करता है खुद गंदा होंदा है, अल्लाह वाले नजर नहीं आंदे, उनू अपनी बूथी नजर आंदी है। अल्लाह जानदा वे गल बड़ी वड्डी जे समझ आ जावे। बाबा बुल्ला कसूरी आंदा चंगिया दे लड़ लग के मेरी झोली पै गए फुल, बुरिया दे लड़ लग के बुलिया तेरे अगले भी गए डुल। अल्लाह जानदा बाबा फरीद बोलिया कहंदे ने उठ जाग फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा जे कोई मिले बख्शिया मत तुम्हें बख्शिया जा। अल्लाह जिन्हें बैठे अल्लाह चंगिया दे लेड़े रखे आ और चंगिया दे नेड़े ब्याह कराओ, चंगिया दे नेड़े बवोगे ना ते वेरे मिलिया भला हो जाए, चंगिया दे नेड़े रवोगे ना चंगे बन जाओ। अल्लाह लोया लकड़ ना लाके तर जांदा है, कला लोया सुतो खाल च तरे ते कली लकड़ जड़ी है लोए तो बिना भी सुट दो तर जे, सिफत हुंदी है ना हर एक चीज च सिफत हुंदी। पर उंज बंदा कली लकड़ी रख के ते उत्ते पूरा पिंड भाले ते नहीं तरे, डोरा खा जाएगी ते जे उन्हू फट ला के चप्पू चुप्पू नाल लाओगे ना ते फिर पूरा पिंड लैके पतन ते पहुंच जाएगा। पतन समझदे ना, पतन ते समझ पहुंच जाएगा। पर साडा हाल दूसरा है, असीं चंगे बंदे कोल बह के भी उहदियां बुराइयां करी जांदे बजाय उहदे कोल कुछ लैण दे, सगो उहनू आने तेरे चा कमी है तेरे चा कमी। अब कई बंदे ना अल्लाह जानदा इन्ना भावे रब ना वेखे बंदिया दे अमल जिन्ने आ बंदे वेंदे बुची वालों वेंदे ने कि नहीं। अच्छा मैं तुहानू एक गल दसा, चले तनकीद वह बंदा किसी ते करे करे जिहदा अपना भांडा अंदरों साफ, जो अपना साफ नहीं तो किसी। मियां मोहम्मद भाई फरमांदे ने बुरा बंदा मैं लभन टुरिया ते मैनू बुरा लब्भा ना कोई, जद मैं अंदर छाती पाई ते मेथों बुरा ना कोई। जो इंसान अपने अंदर झांकदा है ना उन्हें कोई बुरा नहीं। हुण भाई असम मरदारे दे डेरे ते बंदे बैठे होंदे ने, मैं भी आउंदा हुंदा कहिंदा तुसीं दसो भी ये आउण वालियां च कीड़े कड़े अगले दिन कोई पवेगा? उच्ची बोलो नहीं ना पऊ। उहदा चंगा भाई अहीं दूर ही चंगे आ उत्थे बाहर बह जाणगे, जिहदे कोल कोई आवे ना मेरे चन्नो उह चंगा होवे ते लोकी बहिंदे। आम तुसीं धुप च आए जे डेढ़ी दूरों कोई पक्खा नहीं लगा मेरे ते कला लगा मैनूं माफ कर दिया जी, पर तुहानूं पता मौलवी कौम सोल हुंदी है, जिमीदार बंदे जे असीं सोल हुंदे आ। सोल क्यों हो गए? बस गड्डी चो निकलना एसी चो फिर एसी च वर जाना है। मेरा बच्चा है अल्लाह पाक दो कर दे, कहो आमीन।
अच्छा मेरे वरी नहीं आमी हमने मैं कहना ना भी यार इन्हों दो कर दे इन्हें उस वेले कहना ही आम मेरा एक बेटा है वो साढ़ा एसी खराब हो ना इधर दो दिन पहले जो मैं नवा लिया पहले जरा एसी खराब करता सी ना इन ठंडक नहीं सुनिया जी और ठंडक नहीं सी करता ठंडक नहीं सी नहीं करता तो लवा देता मैं यार ये देखिए मैं खराब ना करे तो वो जो नवा लवाया ना तो ठंड बड़ी करता तो मेरा बेटा अपनी मां आंदा ये साडे जिंदगी च मुसीबत ने पहले ठंड नहीं सी करता ये हूं ठंड बड़ी लवा मैं घड़ी बंद कर लिया कर यानी कहन का मकसद है कि मेरे वीरा जिन्हें बैठे ना जिहड़ा बंदा हर वेले किसे च कीड़े करता रहिंदा है ना अल्लाह उन्हूं सुख नहीं दिंदा सुख उन्हूं दिंदा जिहड़ा किसे दा करो मेहरबानी तू महले जमीन पर खुदा मेहरबान अर्शे बरी पर कई बंदियां ने महीने को बाद आखना मौलवी थप्पे भर के इत्थों पैसे ले जांदा है मैं जिहड़ियां गल्लां पहलों मैं हुण कर दिंदा मेरी आदत है मैं गल सीधी वाह देना सीधी आप भाई मुमसन सन्ना मेरी यारी पई इन्हें मेनू ना फसाया पता कि इना को मेरे लिए थोम लै जाना खुड़िए एक तोड़े जो पा के हल्दी मैं ना यार बंदे चंगे ने जो उत्तर चीजा ले आते हैं तोड़िया ने मेनू इतने लै आता मैं यार इना प्यार कर दे 2016 तो लैके भी आ गया इतने वेलो डेरे लग गए वीर बंदा पैसा ना नहीं किसी जित सकता मुहब्बत ना जित सकता मुहब्बत ना ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੇਬ ਚ ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਪਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜੇਬ ਚ ਨੀ ਜੇ ਇਹ ਨੀ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਅੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਦੋ ਗੰਡੀਆਂ ਤਾਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੰਡੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਟੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਯੂਸਫ ਹੱਟੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਆਂਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ हम मेनू गल याद आ गई नबी इब्राहिम ने चिखा जली तो जेड़ी सी ना चिड़ी और टैंकी भर के ना टैंकी 1122 वाली बोलो 1122 वाली चले और टैंकी भर के ना 1122 वाली ते जनाब उड पई ते उड के ना आन के ते अग ते कतरा पानी दा सुटे ते भज ते तोता बड़ा खरांड है तोता तेज हुंदा ना ओ अमरूद टुकदा जिहदे नाल तफैल नू कश पै जावे सच्ची गल कर तफैल वह अमरूद जिन्हें लाए होने अमरूद इस तफैल अल्लाह दवे नेकी की तफीक आ ना छड़ सुंबल सुंबल कोई फल आले बूटे ला लोग खान तेन सुब लगे सही गल कंडे आले सुंबल ना छड़ चल साल बाद वेख के उमरा घर आऊ सुंबल खान आले बूटे भी ला लोग छावे भी बहन गए फल भी खान गए तेन सुब लभे करेगा यानी तहन भी मैं कहना जो फल आला बूटा लाओ करो ना ਉਹਦੀ ਫਾਸਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਫਲ ਖਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਫੌਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਚੰਨੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ अज लाएगा जिन्हें लोग छा बहनगे तेरी कबर च जन्नत दे हुले जानगे ते कई एडे अंतरे ने किसी का लाया हो बकरी उन्हें पा देंगे अल्लाह ये ताया तेन इन्हें बंदे ने फसाएगा रब के दरबार च इनी गुआई पै गई हो ना करी किसी का बूटा लगा हो डंगर ना पैन दिया करो हां जी फास्त करिया करो अल्लाह जानदा किड़ियां ऐ ही पिंड दे बंदे दिल दे साफ हुंदे ने गल्लां सिद्धियां कर जांदे ने ए मेरे यार ने अल्लाह उमर च बरकत फरमाए पिंड दे बंदियां नाल मैं प्यार इस वास्ते करना है मुंह ते गल कर देने मुंह ते गल कर देने पर मैं कई एडे अंतरे वेखे ने मैं जुआ पढ़ा के चले जाना फिर 8 दिन उत्थे कर देने जदों मैं उन्हां चुप हो जांदे आ भाई अब्दुल्ला मैं दसदा सी वी गल्लां करदे ने जी बंदे लै हुण आ इत्थे आ के करन मौलवी आया सिर्फ गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल इन्हां नबियां नूं गल्लां कीतियां पैगंबरां नूं कीतियां ने ते करदियां रहना है अल्लाह जानदा वे मौलवी शरीफ अल्लाह बख्शे इलाहाबादी हजारां लोकां नूं नहीं लखां नूं दीन दस के गया लोकां उन्हूं ही जिंदगी च नहीं बख्शियां दुखी करके कढ़िया मुसीबतों ने ते मैं अपने नाल रजिस्ट्री इसे ही कराई सी सानूं कहा सी मेरे नाल करोगे ते मैं आउणा हाँ मेरे ना की असन नाल गया फिर तफैल गया मेरे ना की आ गया हालां मैं मुल भी लै सकदा 2-3 लाख की कनाल मुल मिल सकनी मैं 2 जलसे करा मैं जगह मुल ले लैनी
सिर्फ मैं इहदे कोलो दवाई है कि तफैल नूं सवाब मिलदा रहे। मैं इहदे पैसे की तो गल ही कोई नहीं। मेरे चन्नो अपनी जिंदगी च को बूटा ला जाए जे लोग उत्थे बैठ गए तुहानूं सवाब मिलदा रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम सामने खड़े ने, मेरा जिसम ने उत्ते बड़िया मुसीबतां ने, ते बीवी सामने खड़ी है आंदी लोकां दीआं मेहनतां करांगी। इत्थों गल चली सी ना, इन्नियां मिसालां दे के मैं तुहानूं गल समझाई। अल्लाह दे के वी जमांदा है, मौलाना बुलुमन ना कुंबे शईम मिनल कौफी मन जुई मनकसिम मिनल अम्माली वल अनपोसी वसमाराद व बशिर साबरी। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है, मैं अपने बंदियां नूं देख के वी अजमांदा, लैके वी अजमांदा है। मेरे वीरां सुनो ध्यान नाल, अल्लाज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक दे बंदे सबर कर देने, 18 वरे गुजरदे पैने, ए बीवी लोकां दे घर काम कर दीए। सुनो लोको किन्ने भरे ने, 80 साल दी उम्र च नबी अल्लाह बीमार होए। किन्ने साल दी उम्र च? 80 साल दी उम्र दे अंदर हजरत जनाबे अय्यूब नबी बीमार हो गए ने। ते सुन लो, 18 वरे गुजर गए बीमारी दे अंदर। एक दिन अय्यूब नबी दी बीवी काम करन जांदी पई है, ते काम तो वापस आउंदी है। अल्लाह जानदा मेरा सारे मामले ने, शैतान बेईमान ने जंगल चकूक मारी, सारे दे चेले कठे हो गए। अब्बा जी खैर ते है ना, चाचा जी खैर ते है ना, गुरु जी चेले आगे कठे हो गए। आंदे ने खैर ते है ना, शैतान की कहंदा है, आंदा ओ मेरे ओ चेले ओ, मैं इन्ने हरबे इस्तेमाल कीते ने, अय्यूब नबी मेरे काबू ही नहीं आया। हरिया बैठा इबलीस बोली मारी सी ना कि सब कुछ खो। पिछले जुमे दस्या सी ना, शैतान ने बोली मारी सी, आंदे ने सब कुछ खो। किसे दा गवीचा वेख के खुश होने वाला इनू शैतान कहिंदे। बोलो इनू की कहिंदे ने? इनू शैतान कहिंदे ने। इबलीस बंदे दा सुख इनू वेख चंगा नहीं लगता ना। जादू करया कर, ना टूने करया कर, पिंड च किसे दा बच्चा नौकरी चंगी ते लग जे ते सड़िया ना कर, गड्डी चंगी वेख के भी सड़िया ना कर, मकान चंगा वेख के भी सड़िया ना कर, किसे दा भौ बन्ना वेख के भी सड़िया ना कर, किसे दी चंगी फसल फब्बी वेख के भी सड़िया ना कर। पहली ठेके लई होवे, दो कु साल किसे दी फसल फब जावे, मैं वेख्या मालक ठेका वधाउण लग पैंदे। भाई मैनू फलाना 70 दिंदा, फलाने नूं भावें खबर भी ना होवे, ऐवें उहदा नां ठोकी जाणगे। अल्लाह फैसला बाद मैं प्लाट लिया, उहदे नाल दा मैनूं लगदा मैं मैनूं दे दे। उहदा मालक बड़ा खरान सी, उह दूजे नूं जा कहिंदा मौलवी प्लाट लै ओही तूं लै लै। उहने मौलवी 70 ला दित्ता जी, 65 ला दित्ता जी, ते मैं उहनूं 50 वी नहीं लाया, 48 लाया, उहनूं 75,000 दा नै ठोक दित्ता। 75 लाख रुपया ओनू जनाबे नाल ठोकता, ते मैं ओनू जदों ले लू लिया ना, गुआंढी बन गए, ते मैं गाना वेच मैं शुफा कर देना जदों वेचना मैनू वेचना। आंदा मौलवी जी मैं अगे 75 दा लिया, तुसी किन्ने दा कहिंदे सो? मैं तुहानू कहा सी 12 चौक 48 ले ला। हुण कोई वेचे ना समझे मौलवी कोई हैगा ना, मैं ला देण भला मेरी गड्डी करोकी होवे किसे वी आ जाओ। मैं ते गल सुनाउना, मिसाल दे के लोकां नूं गल समझाउना कि लोकी सिद्धी हो जाण। मुसलमान मुसलमान लुट्टी जा रहे, झूठ मार के धोखा करके। उहने जनाबिया नूं कहा मौलवी लैण लगा ही नहीं, ते उह आंदा मैं ते तुहाडी वजह तों भज के ले लिया, वा कितें मौलवियां ले ले। मैं कहा तूं मैनूं 5 वध दे के ले लैंदा, तूं उत्थे 10-20 वध भर लिया। तुहानूं वी मैं कहांगा कि मेरे चन्नों गुआंढी दा नाम इस्तेमाल करके किसे नूं ठगणा, उच्ची बोलो नहीं ठगना सुलोमे। ओए मुसलमान मुसलमान नु नहीं लुटदा, मुसलमान ते किसे नु नहीं लुटदा, अपने नु ते लुटना दूर दी गल। मेरे नबी ने बोलो किसे नु लुटन दी इजाजत दित्ती नहीं दित्ती। बैठ जाओ सीधा के पुत्र बैठ जाओ। एक ते आ डोगरा दे बलन चमूने बड़े लड़ते ने, सीधा के बैठ मेरा चन। हां ध्यान कर मेरा मक्खन गंजिया मेरा मक्खन। अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी वीरा, ध्यान कर किड्डी वड्डी गल है। सुनिया जे ध्यान ना, अय्यूब नबी बैठे ने, ते बीवी कम ते गई है, शैतान हर गया ना,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਤਿੱਖ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਗੈਲ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਜਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਡਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਆ ਸੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਨਾ ਕੰਡਾ ਉਹ ਐਡਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤਈਆ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਈਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਉਹਦੀ ਵਿਸ ਆ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵਿਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਿਸ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤਈਆ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਵਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇਸਤਮਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮੀਨ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਵਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮੀਨ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਕਹੀਏ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰੀਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਓਏ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਖਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਅਬ ਯੂਬ ਨਬੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਓ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀ ਆਓ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣੂ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲੋ ਮੇਰੇ ਚੰਨੋ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਜੋਈ ਆਇਆ ਲੇਟ ਆਇਆ ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਟਾਈਮ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਚੱਲਾ ਪਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਯੂਬ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਈ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅੰਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੰਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਓਏ ਚੱਲਿਓ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਜੰਤੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੰਤੋ ਕਢਾਤਾ ਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿ ਧਾੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆਓ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹੋਟਲ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਰ ਚ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਗਾਹ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆਓ ਮੌਲੀ ਜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਢੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੁੜੀ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੁੜੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ
अपने को रखिया करो ताकि ताडे कोई मंगे। बोलो की ताडे को मंगे? मर्द घर का सरदार हुंदा है, हाकम हुंदा है, चौधरी हुंदा है घर का। बीबिया की चौधर घर की चार दवारी चे उत्ते कि चौधर है सरदार हाकम दी, जेड़ा हाकम बनाया अल्लाह ने। कभी आज तो बाद वादा करो तुम तो नहीं कराया मंगो कई ढिले पै गए। अल्लाह जानदा ताया पेती है इस बंदे दा, हुण वेला ताए ने तेनू भी लाती है। अल्लाह जानदा वे गल बड़ी वड्डी है, ताया सचियां गल्लां करी आउंदा है। नासर मदनी दी कोई गल आवे फिट करी आउंदा है। अल्लाह जान ताया कदी उहनां दी वारी आउणी ना तेरे ते भी फिट करनी है। ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। अर्ज करना चाह रहा मुसलमान आखिरी लफ्जा ते इत्तफाक करांगा। पूरे जुमे दे अंदर मैं जिन्नियां चीजा मिसाल दे के समझाइया मेरी पल्ले बनिया जे, पूरे जुमे ते मैं जिन्नियां चीजा मिसाल दे के समझाइया है ताके पिने मेरे पेंडू भरा ने सारिया नू एक एक गल समझ आ जाए। मसला होवे जेड़ा किसे नू समझ आवे मिसाल दे के समझ आवे, लोकां दीआं बुराइयां दस के समझ आए कि फलाना काम इंज जे ना करिया जे बचिया जे। हज़रत जनाबे अय्यूब नबी है शैतान बेईमान नू उहदे चेले आंदे ने तुसीं अना जी नबी नू इंज फसाओ। माई हव्वा ने बाबा आदम नू जनाब जी दुनिया दे उत्ते कणक खवाई सी अय्यूब नबी दी बीवी नू ही कहो। हुण शैतान बेईमान आ गया इहने झोले पा ले बुजुर्ग बड़ा वड्डा बन गया तस्बे फड़ ले ते पता की आंदा ओए अल्लाह वाले चंगे हुंदे ने। शैतान अल्लाह वालिया दा रूप धार के बंदिया नू धोखा देंदा। अल्लाह वाले किसी धोखा जिन्ने नेक अल्लाह दे वली ने एक किसे नूं धोखा नहीं देंदे ते ना दे सकदे ने क्योंकि उहनां दी अल्लाह नाल लैण सिद्धी हुंदी है। अल्लाह दे वलियां दे खिलाफ ना बोलिया करो, अल्लाह दे नेक बंदियां दे खिलाफ ना बोलिया कर। मेरे वीरां हो सकदा है जे तू अल्लाह दा वली होवे तू उहदे खिलाफ बोले अल्लाह नाल तेरी जंग शुरू हो जावे। सारे भेत कौन जानदा है ते शरीयत ने भी दस्या है के जेड़े बंदे नूं तू नेक समझे ना वो हवा च उड़दा होवे अग खांदा होवे। बोलो हवा च उड़दा होवे अग खांदा होवे ते उस ते शरीयत जार नहीं उहनूं वली नहीं मनना शैतान दा बेली। वली होवे जिहदे तो शरीयत मुस्तफा है उच वर जिहदे कोल शरीयत मुस्तफा है। ये नहीं कि सारा दिन बंदा नमाज ना पढ़े ते आखे जी बड़ी पहुंची हस्ती। हां जी बड़ी पहुंची हस्ती ये नहीं हस्ती। हस्ती होवे जेड़ी तेन भी कवे नमाज पढ़ते आप भी नमाज पढ़े। आ पिंडां दे विच मैं अक्सर बंदे वेखे ने आखणगे बोले 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 आ बजुर्ग बड़ा पहुंचिया ते वो बजुर्ग ने बड़ियां लंबियां जुल्फां रखियां ने। किन्नियां लंबियां जी? उहदियां दो गज जुल्फां ने, तीन गज जुआं पईआं मिट्टी घटा लगा नहीं। अल्लाह दे वली नूं ते वेख्या रब याद आ जांदा। उच्ची बोलो अल्लाह दे वली नूं वेख्या रब याद आ जांदा है। अल्लाह जानदा है तवज्जो मेरे वाले इमाम अंबिया नूं मानने वालों। जदों इमाम अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी ताजदार नूं बाबा फरीद आंदा उठ जाग फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीद तू सुता रब जागदा तेरी ढाडे नाल फरीद। एदा मतलब है वली अल्लाह सौ जावन ते जागण वाला अल्लाह है, मौलवी सौ जावन जागण वाला अल्लाह है। रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, राखी जागदी करा अंग लौंदा नहीं, तू फिर भी मेरे बुए आउंदा नहीं। मारा सद मैं आप सवाली नू क्यों छड़िया मेरे दर आली नू, देवा दान ना मोरा खाली नू अल्लाह जानदा उहनूं जदों पुकारो सुनदा जे। सारी दुनिया सौ जावे ते को जागदा पीर वारे शाह जलियाले आला पीर मैनूं याद आ गया। हीर वारे शाह चले गए रे रात दा जागना बड़ा औखा दुखिया बीमार राती जा जागदा इश्क दी मर्ज वाला जा जागदा
सरदार सन ते चोर राती जा जागदा परे ते परदार राती वारशा सबे गल्ला झूठिया ने इको जागदा परवरदिगार राती सारा जग सो जंदा कौन जागदा उच्ची बोलो यार लफ्ज़े अल्लाह अच्छा मैं तुहानू इह कोर नुक्ता दसा ये बड़ी वड्डी बीमारी मुसलमान ने चल पी जदों असी वलियां दा नाम लवांगे ना लोकी कहे सुभान अल्लाह जो नबिया का नाम होगा सुभान अल्लाह जो अल्लाह की गल आ ना तो लोग ठंडे पै जाते यार नबिया शान मिले अल्लाह की वजह तो वलिया शान मिले अल्लाह की वजह तो नासर मदनी शान मिले अल्लाह की वजह तो तेनू मेनू शान मिले अल्लाह की वजह तो अल्लाह ने अशरफ उल मखलूकात बनाया मेनू दसो इन्ने बैठे जे जो वली अल्लाह का नाम आवे तो उच्ची सुभान अल्लाह कहते जे ते वली अल्लाह जिदा बेली है ओदे बेली का नाम आवे तो उदो क्यों नहीं सुभान अल्लाह कहते और चलो सारा कायनात किने बनाया तेनो मेनो किने बनाया ऐसे किने बिठाया उन्हें जान कर ले कुछ कर सकते ऐसे कर ना जान दे कुछ कर सकते अज मेरे ना वादा करो जो अल्लाह का नाम आए ते अच्छा फिर सुनो बंदे ने दिलों वास कदों निकल दिए जो उन्हें प्यार वाले का नाम लिया जाए ना तुझे कई बार वेख्या छूम तो छूम बंदा छूम समझ गए थोड़े देना ना छूम तो छूम बंदा उन्हों बंदा कवे ना यार तेन तेरी मां दा वास्ता है वो नहीं दो यार तेन तेरी बुढ़ी दा वास्ता है नहीं दो वो यार चल तेन तेरे फराने बेली दा वास्ता है वो जेब चो काट के दऊ एदा मतलब उन्हें क्यों कड़े ने उदे बेली ने उदी अंदर दी प्रीत पड़ी वो बंदे दी बंदे ना प्रीत होए बंदा उन्हों गल करे उदी वाज ते अंदरों वाज निकल दी है कभी सब तो ज्यादा फिर प्रीत कितना होनी चाहिए उच्ची बोलो जो फिर अल्लाह दा नाम आए फिर दिलों उच्ची आवाज निकलनी चाहिए कने नबिया नु शान मिले अल्लाह को हर नबी ने तारीफ की पहलो कलमे जिन्हें पढ़िए ना पहले जरा चलो कलमे पढ़ाइए भी पहलो नबिया ने अपना नाम लिया के कलमे लिया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह बोलो की क्या ला इलाहा पहलो किदा आया जिक्र आज तो बाद जब नहीं मैं इतने जुमे पढ़ा ना जब मैं अल्लाह की कुछ शान बयान करा ना ते फिर पूरे मजमे च ना पिछली तरीक टुट जे करे ऐनी उच्ची सुभान अल्लाह कहना है ताकि लोगों को पता लगे ना दिल च अल्लाह वास्ता पिया है रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज कुरान लगा सजदे कर कर हारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलता है जेड़ा अपने आप नू मारे जेड़ा अपने आप नू मारदा रब नू मिलता सारी दुनिया नालों बहुत ही तारीफ अल्लाह की कर रही असी अल्लाह की तारीफ नहीं कर हजरत दाऊद नबी सी ना आंदे अल्लाह मेरे तो बाद तेरी कहे तारीफ की थी नबी दाऊद अलैहि सलाम ना 100 बीवियां दा खामन नबी सी ते 100 दियां 100 तज्जद गुजार बोलो किनिया तज्जद गुजार बीवियां ते नबी दाऊद अलैहि सलाम कहंदे ने अल्लाह मेरे तो बाद तारीफ अल्लाह आंदे ने कीती किने डड्डू नु मेरे हुण दसो डड्डू दा की मुकाबला आंदे ने डड्डूआं दस ना कदों दी अल्लाह दी तारीफ बयान कर रहे हैं ते डड्डू दियां अखां डुलन लग पियां आंसू निकल लग पे ते नबी अल्लाह कहंदे ने रोया क्यों है कहंदे ने हजरत पहली बार आज तरना गल कीती है बाकी पिछली सारी जिंदगी उहदी याद च गुजर गई है ऐसी अल्लाह नाल मुहब्बत अल्लाह दे नाम ते ताड़ियां आवाज़ां बुलंद हो जाणियां चाहीदियां आले मुहम्मद नु शान मिले ते अल्लाह दी वजह नबिया दे खानदान नु शान मिले ते नबिया दी वजह ते नबिया नु शान मिले ते अल्लाह दी वजह तो सारी कायनात तो मुहब्बत करनी है ते किदी वजह तो करनी है अल्लाह नु अल्लाह ने कहा मेरे नबिया दी इज्जत करो अल्लाह ने कहा मेरे वलिया दी इज्जत करो अल्लाह ने कहा मेरे नबी दे खानदान दी इज्जत करो आले बैत दी इज्जत करो आ कई बंदे वेखे को कह देना मैं सैयद ओ बाया तेरे ते वड्डे मरासी सी तू सैयद बनया ए बड़ी वड्डा गुनाह है जेड़ा तुहानू कह दे रहा मैं आले रसूल हाँ तुसीं उहदा एहतराम करना कि भाई तू साडे नबी दे खानदान ना वह अगर गलत कहेगा तो क्यामत नूं जवाब उहने देना बोलो किने देना तुसीं सिर्फ अदब करना तो यह समझ के मेरे नबी दे खानदान ये सैयद खानदान दा है ये आले रसूल है
सानू नहीं अक बंदा पूछन का शजरा नसो बखा जेड़ा गलत गल करेगा क्यामत जवाब देगा आंदे ने ना जे फरीदा तेरी झोंपड़ी सर कट्यो के पास जो करे सो भरनगे तू क्यों ना उदास जिन्ना करना उन्हें भरना हजरत अय्यूब नबी सामने करे ने शैतान ने झोला पा लिया ते वलियां वाला लिबास पा लिया ते तस्बे फड़ लए ते आन के कहंदा नी राम ते उन्हें मान ना दस बई ऐसरी कर दे नजूमी जादू करने वाला भी काफर कराने वाला भी काफर है जादू करने वाला भी बेईमान कराने वाला भी बेईमान है ना जादू टूने करया करे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा किसी नूं हाथ विखावे 40 दिनों की नमाज ही कबूल नहीं हुंदी हाथ भी ना विखाया कर आ कई लकीर विखाते ना कई आंदे ने नाग मेरे वर्गा होवे ते फिर कई नाग पा लैंदे ना इंज करके आंदे ने मेरे इस तारे ना मिलदा है ना करया कर मेरे चन्ना नफे दा मालक भी अल्लाह नुकसान दा भी मालक अल्लाह है सब कुछ अल्लाह करने वाला है मेरे वीरा अज जुमे दे उते आखरी लफज ने इनू पल्ले बन्ना पूरे जुमे दा निचोड़ तेरे सामने रखना चाहना है अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा नु मानने वालो मेरी ये भेणे तू ही ध्यान ना गल सुन ली अय्यूब नबी दी बीवी है थकी टुटी वापस आ रही है हाथ लस्सी फड़ी है रोटी सालन फड़े आए आंदा नहीं राम ते तेरा दुखी खामद यूं बड़ा दुखी है ते बीबी बड़ी हैरान हुई आंदी वे तेनू किवें पता है आंदा राम ते मैं जमीन दा रब्बे ते तेरा खामद आसमान वाले रब नू पुकारदा है ते जे कदी मेरे नाम ते आ बकरा जिबा कर दे आ प्याला लै जा उनू प्या देवे ते मैं उन्हें छपा दे देवा ए बीबी तुर पई आंदी बड़ा नेक इनू मेरे नाम दा भी पता है ते वाकई रब होएगा औरत दा ईमान कमजोर हो जांदा ना किस टाइम मैं तुहानू कह रहा दज्जाल दे वक्त नेकां ने अपनियां बीबियां बंद तार देनियां अंदर ते कुंडे मार देने क्यों कुंडे क्यों मार रहे ने इस वजह तो कि बीबियां दा ईमान किते दज्जाल लुट ना लवे मेरिया भैन ईमान दिया पक्या बन जो नासर मदनी मगर जुमा पढ़ना आईया जे ईमान पक्का बना के लैके जाई मेरे को जुमा पढ़न का यह फायदा है मैं तेरे घर दिया गल्ला तेनू दीन दे नाल समझाना है मिसाल दे के समझाना है वाकया कला नहीं सुना मैं कला वाकया सुना हो वाकया खत्म कर देंदा पर मैं लोगों नाल समझा भी है ये चे मकसद ये चे मकसद है अय्यूब नबी दी बीवी आंदी है वे मेरे अज मेनू जमीन दा रब मिले है ते बड़ा ही चंगा है उन्हें के आराम ते तेरा खामन दुखी बड़ा ही होवे बड़ा ही दुखी है ते ओ मैं जमीन दा रब है ओ आसमान दे रब नू पुकारदा है जे कदी मेरे नाम ते बकरा जिबा कर दवे आ प्याला पी ले मैं उन्हें छपा दे दूं अय्यूब नबी दियां अखां डुल पईयां आंदे ने अल्लाह अगे माल दी अजमाश होनी मान दी अजमैश आंदे ने राम ते जमीना ते रब आसमान वाला कोई होर है कहने लीला है मेरा सो समावा ती वालर्ज जमीन आसमान दा वारस ते कोए तबारक अल्लाह दी बेयद हिल मुलक वाहुआ ला कुल शैन कदी आंदे ने सारी बादशाही दा मालक ते कल्ला है नी तेनू केड़ा रब मिल गया है मेरा रब ते इक्को ही है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लामिया ने दवा लामी उलद वलामिया कुल्ला हु कुफुवन अहद अल्लाह एक है अल्लाह जानदा वी नजरा ते आन गल सुन ला मेरे वीरा नबी अल्लाह है नबी शिरक नहीं करदा नबी दसन हुंदा है कि अल्लाह एक है आ बोलो नबी दसन हुंदा है उच्ची बोलो अल्लाह किन्ने ने हाथ खड़े करके जरा दसो अल्लाह किने ते किथे वसदा है अरशा दे वसदा है ओदा अपना जी हुक्म सारी कायनात ते चलदा है अल्लाह जानदा अर रहमान अल अरश इस्तवा ओ
अर्शे मुअल्ला ते मौजूद है, खुदी कुदरत सारे जहान अंदर मौजूद है। मैं चाहना तेनू तौहीद भी नाल नाल समझ आवे, मेरा ईमान भी पुख्ता आवे। नबी अल्लाह की कह रहे नामते वो ते शैतान बेईमान सी, तेन दाल आ गया है, तेरा ईमान लुटन लगा है। अल्लाह देख आओ इन शिरक अल्लाह जुल्म अज़ीम, शिरक बड़ा वड्डा जुल्म है। इन्नहु मन यशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाह अलैहिल जन्नत, अल्लाह दा मैं शिरक माफ नहीं करना। हजरत अय्यूब नबी दियां कांडल पईयां ने, अल्लाह पाक दी बंदी फिर कम न तुर पई। आंदे ने जे मैं ठीक होया ना तेन सौ कोड़ा मारांगा। अय्यूब नबी दी बीवी अजकल दी हुंदी ते आंदी आंदी लै नाले मैं जापे करा कम करा नाल तेन रोटी लिया के देवा ते नाले तू मेनू कोड़े मारे। आंदे ने अल्लाह ने मेनू सेहत दिती मैं तेन सौ कोड़ा मारांगा। क्यों भी मान दसो जेड़ा गलती नाल एक बार किसी नू रब मन्ने उन्हें सौ कोड़ा पैगंबर सजा देंदा है, ते जेड़ा सारी जिंदगी कहिंदे रहे फलाना भी करता फलाना भी करता उन्हें किन्नी सजा मिले। अल्लाह ऐ सुनिया जी शिरक बड़ा वड्डा गुनाह है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहिंदे ने जे अल्लाह मैनू सेहत दित्ती ना मैं ठीक होके तेनू सौ कोड़ा मारू। ते बीबी भी बड़ी नेक अजकल दी हुंदी कहिंदी लैला कुंजियां ते रख लै सराने चलिए मैं पेके। इहो कुछ कहना सच्ची गल कहना है उन्हें अगले चली मैं अब्बल तो ने फोन मिलाना सी आ जाओ मैनू लैन बोलो आ फोन बड़ा स्यापा है अच में अंडोल कर दिया ने अब्बा जी जो तक पहुंचते गुस्से ठर जाते हूं इधर फोन जाता फट गड्डी सौ की स्पीड से पहुंच जाती गुस्सा उत्थे ही हुंदा कोई लड़ाई हुंदी है कि नहीं हुंदी बोलो तो सही गलत तो फैल हो ही नहीं कभी सारी दुनिया की हो जाए अज वादा करो लड़ाइया हो जाए पर कुड़मा फोन करने कुछ सियाना बंदा भी होंगे फिर वो जनाब जी सुलह करा दे अज गुस्सा होया कल खत्म हो जाओ अज फोन करने अगलिया तबाह करने शुगर का दौर है जी घूमत चलन दी अल्लाह जानता है ये तो कुछ दिल के अटैक वाला भी चले जाएगा कोरोना ची ठोकी आ गुरदिया का मरीज कोई जाए उन्होंने कोरोना ही पाई आते जिथे मर्जी वेख लो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए कहो आमीन। कारी दवाई खा लिया करो कोई बीमार बमूर पहले जिमीदार चंगे दे ताप चढ़ना तो उन्हें वाहन च लेट नहीं लैनी वाहन च टीका तो कोई लगा ही नहीं हूं आप जाके अंदर मैंने टीका ला दे वो टीका ना लाओ तो दवाई आराम ही नहीं होगा टीका ला दो फिर अल्लाह जिन्हें बैठे मैं तली दुआ करना है अल्लाह इस कोरोना बीमारी तो महफूज फरमाए अल्लाह पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए। हजरत अय्यूब अली इस्लाम अपनी बीवी नु कह के ते सजदे पै गया ने अय्यूब इज़ना दा रब्बा हूं अन्नी मसानी रिमान ता अरहमुर राहिमीन अल्लाह मैं तेरी रहमत दा तरफगार 18 साल बीमारी च गुजरे ने अल्लाह फरमांदे ने और पुत बेरे जले काओ मेरे नबी चल चले गड्डी थले पानी दा चश्मा जारी हो गया अल्लाह आंदा थोड़ा जा पीला अंदर दियां बीमारियां मुक जान गियां ते बाहर दा पीला बाहर दियां बीमारियां मुक जान गियां मेरे वीरा तू ही ध्यान ना सुन लाओ अल्लाह पाक फरमांदे ने अहलाहु व मिसलाहुम असा नबी दा घर भी दिता ते उदू डबल भी दिता अय्यूब नबी नू अल्लाह पाक ने बेटे बेटियां 26 तिया पुत्र होर अता कर दिते ते जिधर वेंदे ने फसलां नबी दियां ए घर दा घर भी दिता ते उदों डबल भी दिता 700 गाइयां ने अनाज 1400 गईयां 3000 ऊंठां 6000 हो गईयां अज तू ही वादा कर ला ओदी दित्ती अजमाइश ते सबर करेगा अल्लाह घर दा घर भी देवेगा डबल भी देवेगा उन्हां उत्ते तकवा रखण वाले नूं थोड़ कोई नहीं रहिंदी अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए। 98 साल की उम्र च नबी अय्यूब नूं अल्लाह ने शफा बख्श दी अल्लाह जिन्हें बीमार बैठे ने अल्लाह सेहत अली जिंदगी अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।